सो गाइज वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल एंड हाउ यू गेट मोर व्यूज़ बाई यूजिंग यूट्यूब एनालिटिक्स। सो गाइज आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा यूट्यूब एनालिटिक्स का यूज़ करके आप किस तरह से ज़्यादा व्यू पा सकते हैं अपने वीडियो में गाइज। तो आज हम चैनल एनालिटिक्स की भी बात करेंगे और वीडियो एनालिटिक्स की भी बात करेंगे गाइज। तो गाइज मैंने ये जो सब चीज़ सीखा हूँ मैंने यूट्यूब एनालिटिक्स तो ऑल टोटल मैंने रिसर्च किया हूँ गाइज। तो 6-7 महीने मुझे लगभग लग गए हैं टोटल इस समझने में। तो गाइस मैं आपको एक ही वीडियो में बताऊंगा, तो गाइस लाइक ठोकना ना बोलिए, अभी लाइक ठोक दीजिए और इसके बाद सब्सक्राइब करना ना बोलिए गाइस, क्योंकि मैं आपको एक ही वीडियो में यूट्यूब एनालिटिक्स की पूरी आपको जानकारी दे दूंगा गाइस A to Z कि आपको किस तरह से यूज़ होता है, किस तरह से किस चीज़ से आपको व्यू आती है, किस तरह से के बर करता है गाइस। तो गाइस यूट्यूब एनालिटिक्स बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है यदि आप अपने वीडियो बनाते हैं। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, मेरा टाइम वेस्ट किए क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया इंट्रो, तो बढ़ते हैं YouTube Analytics की तरफ गाइस। इस YouTube Analytics के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का आपको PC में देखने को मिल जाता है पूरा, इस तरह से YouTube Studio आप जब खोलेंगे और Analytics यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ये चैनल डैशबोर्ड हो गया सबसे ऊपर आपको इस तरह का, जब आप खोलेंगे तो गाइस इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे। तो गाइस इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है और ये जो YouTube Analytics है इस तरह के साइन में आपको देखने को मिल जाता है चैनल एनालिटिक्स के नाम पे। ये चैनल एनालिटिक्स क्या है, आपका चैनल कितना बर कर रहा है कितने दिन में, वो सब चीज़ यहाँ पर आप यहाँ के आप देख सकते हैं गाइस। तो अभी सबसे ऊपर आप देख सकते हैं ओवरव्यू, रीच, एंगेजमेंट, ऑडियंस और रेवेन्यू, ये सब आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं गाइस। और यहाँ पे आपको लास्ट 28 की देखना है या 90 डेज की देखना है, लास्ट 65 डेज या फिर लाइफ टाइम के बारे में आपके चैनल के रेवेन्यू देखना है गाइस, आपका चैनल किस तरह से वर्क कर रहा है। तो गाइस यहाँ से आप देख सकते हैं, तो अभी हम लास्ट 28 की देख रहे हैं गाइस। तो व्यूज आर अप, योर चैनल गॉट 5,356 व्यूज इन द लास्ट 28 डेज। तो गाइस सबसे ज़्यादा व्यूज आई है इस महीने मुझे जो कि दिखा रहा है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर दैट इज़ मोर देन 822,700 योर चैनल यूजुअली गेट। यानी गाइस पहले मेरे चैनल में 2,700 व्यूज ही आती थी, इस महीने में जो डबल हुई है गाइस तो बहुत बड़ी बात है। और इसी के साथ यहाँ पे आप रियल टाइम व्यूज़ देखने को मिल जाती है गाइस, क्योंकि अपडेटिंग लाइव होती है कितने आपके सब्सक्राइबर चल रहे हैं, कितने व्यू आ रहे हैं और किस वीडियो से आ रहे हैं गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी कितनी व्यूज़ आ रही है, यहाँ पे ये देख सकते हैं गाइस इतनी इतनी व्यू आ रही है मुझे। और आपको और देखना है गाइस इसी मोड में आप जाके देख सकते हैं। और इसी के साथ गाइस यहाँ पे आप व्यूज़ देख सकते हैं कितनी व्यूज़ हर दिन आ रही है इस तरह से स्क्रॉल करके, तो आपको व्यू देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आप बॉस टाइम देख सकते हैं। तो गाइस ये जो अब वाला जो दिख रहा है ना गाइस, तो यानी आपका चैनल अच्छा वर्क कर रहा है इसलिए आपको ये जो दिखता है एरो वाला निशान बहुत काम का है गेमिंग वाला। तो गाइस चैनल बॉस टाइम कंपेयर्ड यानी आपका हर दिन का आप यहाँ से चैनल एनालिटिक्स में आपका कितना व्यू आ रहा है हर डे वो आप यहाँ से देख सकते हैं, और सब्सक्राइबर भी देख सकते हैं गाइस कितने कम हुए कितने ज़्यादा हुए। तो गाइस यहाँ पे आपको देख सकते हैं इस तरह से मेरे रहे इतने दिन में। और इसी के साथ एस्टिमेटेड रेवेन्यू, तो गाइस अभी जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं होगा आप यहाँ से देख नहीं सकते, तो रेवेन्यू भी यहाँ पे आपका दिखा देगा यदि आपका चैनल यदि मोनेटाइज होगा। तो गाइस अब बढ़ते हैं यहाँ पे, आप जाके सी मोड्स में और देख सकते हैं आपको पूरा यदि डिटेल में चाहिए। तो गाइस ये सब चीज़ प्रोवाइड करता है ओवरव्यू में। इसी के साथ लेटेस्ट वीडियो आपका ये अलग सेक्शन रहता है कितना बर कर रहा है, कितने नंबर पे आता है, 10 वीडियो में से आपके जो 10 रैंक वीडियो रहते हैं कितने कितने दिन में कितना बर कर रहे हैं, उसके हिसाब से यहाँ से आपको दिखा देता है कितने वीडियो आपने किए हैं और सब चीज़ यहाँ पर आपको फ्रंट पर देखने को मिल जाती है। और इसी के साथ योर टॉप वीडियो इन दिस पीरियड, तो गाइस ये यहाँ पर ये जो रहता है कि 28 डेज में आपको सबसे ज़्यादा व्यूज किस वीडियो में आई है और किस एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी यहाँ से आप देख सकते हैं किस वीडियो में आई है उसकी बात करते हैं। तो मेरा अमेजन गिफ्ट रैप और हाउ टू डिसेबल ये सब वीडियोस मेरे में इतनी इतनी व्यू आई है गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। और नीचे करेंगे तो गाइस ये आप सी मोर में देख सकते हैं और 28 डेज में कितने ज़्यादा चैनल में आपको देखने को मिल रही हैं व्यूज़। तो इस तरह से है गाइस ओवरव्यू। सो गाइस नेक्स्ट जो है गाइस वो है रीच, जो कि कितने बंदों के पास हमारी जो वीडियो है वो पहुंच रही है, ये सबसे ज़्यादा काम पड़ता है जब गाइस आप अपने यानी आपके व्यू कितने आ रहे हैं किस चीज़ से आ रही है वो यहाँ से आप देख सकते हैं गाइस। बहुत ज़्यादा काम की जगह है यहाँ रीच की जगह जो दिख रही है आपको गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंप्रेशन, टोटल इंप्रेशन मेरी जो वीडियो के ब्राउज फीचर या यूट्यूब सर्च से कितने इंप्रेशन गए हैं टोटल वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। 49,000 मेरे इंप्रेशन गई है और 9.3 इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट और 5,400 हमें आपकी व्यूज़ देखने को मिल जाती है और 4,400 हमें यूनिक व्यूअर देखने को मिल जाती है गाइस। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मैन है गाइस वो इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट, ये सबसे ज़्यादा यदि आपका यहाँ पे ज़्यादा होगा CTR, इसको बोलूँ तो CTR होता है यूट्यूब की तरफ से। तो गाइस ये वाला नहीं है गूगल एनालिटिक्स वाला जिससे आपकी रेवेन्यू खत्म हो जाएगी। तो गाइस ये 12-15% रहे तो सबसे बेस्ट रहता है, तो थोड़ा बहुत आपको वर्क करने की ज़रूरत है। ये वीडियो में आप देख सकते हैं थंबनेल में, तो यहाँ से आपका जो है देखने को मिल जाता है इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट यहाँ पे 9.3 है मेरा, क्योंकि
अभी जो है कुछ दिनों से कितना चल रहा है, 13.5 वन डे का भी आप देख सकते हैं। तो ये आपका ज़्यादा रहेगा तो आपका ही प्रॉफिट है गाइस। सबसे ज़्यादा आपके आने जैसे ही आपका वीडियो स्क्रॉल कर रहा है यानी इंसान आपके जो वीडियो उसमें रुक रहा है गाइस और टच कर रहा है, तो यहाँ पे मेरा जो है 49,000 इंप्रेशन गए और 5.4,000 व्यूज आई है गाइस। अब इसके बाद बढ़ते हैं गाइस, ट्रैफिक सोर्स टाइप है गाइस, तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपके जो वीडियो है उसमें किस जगह से सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं गाइस। तो व्यूज़ लास्ट 28 डेज में गाइस मेरा देख सकते हैं, यूट्यूब सर्च एक ही वीडियो बताया था गाइस जो कि सबसे ज़्यादा रन करता है और अभी भी चल रहा है टॉप पे, तो वो यूट्यूब सर्च है गाइस 77.2%। सजेस्टेड वीडियो आने गए जो सजेस्ट होते हैं लास्ट में, आप नीचे जब स्क्रॉल करते हैं कोई वीडियो देखते हैं तो सजेस्टेड वीडियो में इस तरह के मेरे वीडियो है 9.5%, उससे भी आई है प्लेलिस्ट से 3.1%। ब्राउज फीचर गाइस, ब्राउज फीचर बहुत ज़्यादा मेन होता है, तो आप जब आप यूट्यूब खोलते हैं और आपको जब स्क्रॉल करते हैं आपको जो वीडियो देखने को मिलते हैं तो ब्राउज फीचर उसको कहते हैं गाइस। उसमें आपके वीडियो यदि आते हैं तो आपको आपके यानी यूट्यूब पुश कर रहा है गाइस, बहुत आगे जाकर आपके वीडियो को पहुँचा रहा है, तो बड़ी बात होती है गाइस। यदि ब्राउज फीचर यदि हाई है तो गाइस आपका चैनल बहुत सारे लोगों के पास पहुँचेगा, यूट्यूब सर्च से भी पहुँचता है और गाइस ब्राउज फीचर। तो गाइस जो दो मेन रहते हैं इसमें ट्रैफिक सोर्स पे होते हैं यूट्यूब सर्च और ब्राउज फीचर, तो गाइस इस पर ज़्यादा ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, बट यूट्यूब का काम है गाइस ब्राउज फीचर में वर्क करना, हमारा काम नहीं है, हम यूट्यूब सर्च में ट्रेंड करने की कोशिश करेंगे गाइस। हाँ तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसके बाद जो इंप्रेशन एंड हाउ दे लेट टू वॉच टाइम, तो गाइस यहाँ पे आपको 47.5,000 गए और 9.2% क्लिक थ्रू रेट रहा और व्यू फ्रॉम इंप्रेशन, ये सब यहाँ पे आपको चार्ट देखने को मिल जाता है। तो गाइस कितने लोगों ने टच करके आपके जो वीडियोस है उसे सर्च करके और कितना व्यूज़ आया, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं 113.9 नंबर यहाँ से मेरे वॉच टाइम आए इंप्रेशन से, यानी कि साथ ही ज़्यादा जो 28 डेज में मेरे व्यूज़ और वॉच टाइम आया वो सब इसी चीज़ से आएगा। सो गाइस आपका जो एक्सटर्नल हो गया ट्रैफिक सोर्स एक्सटर्नल हो गया गाइस, तो प्रोपोर्शन ऑफ योर टोटल ट्रैफिक, तो गाइस यहाँ से आप देख सकते हैं क्रिएटर स्टूडियो से कितने लोग बंदे आए 27%, व्हाट्सएप से आपने जो शेयर किया था गाइस वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फेसबुक में कितना शेयर किया गया था उससे कितने व्यूज़ आई है, वो सब चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी गाइस, ये कहाँ कहाँ से आपको कितना परसेंट आप देख रहे हैं और कितना एक्सटर्नल से आपको व्यूज़ आते हैं वो यहाँ पे परसेंटेज में आपको देखने को मिल जाता है। तो ट्रैफिक फॉर प्लेलिस्ट, ये प्लेलिस्ट से कितना आ रहा है गाइस वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यूट्यूब सोर्स यूट्यूब सर्च गाइस, तो ट्रैफिक सोर्स यूट्यूब सर्च, तो यूट्यूब सर्च से आपके किस टॉपिक से कितने व्यूज़ आ रहे हैं गाइस वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस ऑर्डर कंटेनर गिफ्ट अमेजोन, तो यहाँ से जो जितने सर्च हमें दिख रहे हैं मेरे एक ही वीडियो को देखते हैं गाइस, तो 77.2% मेरा वॉच टाइम इसी सर्च टर्म यानी इसी वीडियो से आ रहे हैं, यानी जो अमेजोन के ट्रिप है उससे आ रहे हैं यहाँ सर्च टर्म से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका कौन सा वीडियो कितना कर रहा है रैंक सर्च टर्म में, वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा गाइस। और इसी के साथ बात करते हैं ट्रैफिक सोर्स सजेस्टेड वीडियो, मैंने आपको बताया था जो स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमको जब कोई वीडियो देखते हैं उसके नीचे आपको सजेस्टेड जो देखने को मिलते हैं वो है गाइस यूट्यूब ट्रैफिक सोर्स सजेस्टेड वीडियो। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोपोर्शन ऑफ योर टोटल ट्रैफिक, तो अमेजोन गिफ्ट रैप से मुझे 7.8 आने और 9.5% जितना मेरा आया गाइस ये ट्रैफिक सोर्स सजेस्टेड वीडियोस आया, तो ये कौन से वीडियोस है जिससे मुझे सजेस्टेड जा रहे हैं गाइस वो यहाँ से आप देख सकते हैं, और दूसरे वीडियो को भी इस तरह से बना के आप यहाँ पे ला सकते हैं गाइस। ये है गाइस 5.3 5.7, इस तरह से आप सी मोर में जाके और देख सकते हैं, हर किसी में आपको सी मोर का देखने को मिलता है। तो गाइस ये आप डीप में जाके इसे और सर्च कर सकते हैं कि कितना आपका चल रहा है, किस चीज़ से मुझे आ रहे हैं व्यूज़, तो ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है गाइस, ये जो रीच दिख रहा है गाइस बहुत ज़्यादा काम की है। और इंप्रेशन जब भेजता है यूट्यूब तो ज़्यादा ज़्यादा क्लिक थ्रू रेट रहे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है गाइस हमारे चैनल के लिए। तो गाइस ये हो गया रीच ऑप्शन, अब बढ़ते हैं इंगेजमेंट की तरफ, तो इंगेजमेंट बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है ये भी कि कितना आपका एंगेजमेंट चल रहा है, कितना आपके व्यूअर्स देख रहे हैं आपके वीडियो, क्योंकि गाइस जो यूट्यूब का जो वीडियो सजेस्टिंग वाला रहता है गाइस वो आपके वॉच टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ऊपर जो कोई वीडियो देख रहा है गाइस तो आपको कितने देर तक के देख रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा यदि टिका रहता है गाइस आपके वीडियो में तो आपका जो सजेस्टेड और यूट्यूब सर्च टर्म में चढ़ने का है गाइस वो बहुत ही जल्दी चढ़ता है। तो मेरा जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है गाइस देख सकते हैं 1.35 1.20, तो गाइस ये आपका ज़्यादा रहेगा एवरेज व्यू ड्यूरेशन, तो गाइस यानी आप ऑडियंस को ज़्यादा देर तक के अपने वीडियो में रोक सक रहे हैं, ये यहाँ से आप देख सकते हैं एवरेज व्यू ड्यूरेशन में। और वॉच टाइम ऐसी है, वॉच टाइम कितना है वो दूसरे में और भी में आपको देखने को मिल जाता है, सेकेंडली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि आप कितना कितना व्यू आ रहा है हर दिन कितना कितना व्यू आ रहा है, जून 1 जून 2 इस तरह से गाइस। तो गाइस अब जो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं टैब वो है, सो गाइस ये जो टॉप वीडियोस आप देख सकते हैं वॉच टाइम सबसे ज़्यादा किससे आया है यहाँ पे आप देख सकते हैं 28 डेज में, और आपके एंड स्क्रीन कितना वर्क कर रहे हैं 28 डेज में, कितने एंड स्क्रीन पर क्लिक किया गया वो यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा कि आपका कितना चैनल वर्क कर रहा है, किस वीडियो से कितने एंड स्क्रीन पर क्लिक किया गया है, तो यहाँ से मेरे ये सब देखने को मिल जाते हैं गाइस, ये सब इतना है। और सी मोर में आप देख सकते हैं कितने कितने चल रहे हैं क्या है, और आपको डीप में दिखाता है वो चीज़ मैंने आपको बता दिया हूँ कि कितने कितने वीडियो में और क्या आया है वो यहाँ से आप देख सकते हैं।
और इसके बाद आपका टॉप प्लेलिस्ट, आप प्लेलिस्ट यदि बनाते हैं आपकी प्लेलिस्ट कौन सी वर्क कर रही है सबसे ज़्यादा, वो यहाँ से आप देख सकते हैं बॉस टाइम के हिसाब से। और यहाँ पे आपको जो देखने को मिल जाता है गाइस वो है टॉप एंड स्क्रीन एलिमेंट टाइप्स। तो गाइस यहाँ पे आप क्लिक पर एंड स्क्रीन एलिमेंट जोन से आने 28 डेज में, तो गाइस ये है कि आपका जो एंड स्क्रीन जो आती है उसमें कितना एलिमेंट दिखाए गए और कितना टच किया गया। तो वीडियोज़ में सबसे ज़्यादा आप जब अपना डालते हैं खुद का उसमें आते हैं कि बेस्ट फॉर व्यूअर्स और वीडियो रिकमेंडेड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस्ट फॉर व्यूअर 0.8% इससे आया है एलिमेंट टाइप और वीडियो से इतना आया गाइस। और इसी के साथ टॉप कार्ड क्या है वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप यदि कार्ड बनाते हैं गाइस आई बटन वाला उसमें आपका कितना वर्क किया गया लाइट लास्ट 20 डेज में वो यहाँ से आप देख सकते हैं। डू यू प्ले पबजी यहाँ पे ये सब आप सीमोड जाके और देख सकते हैं। यदि आपके मेरे में तो ज़्यादा कार्ड मैंने डाला नहीं था, आप भी डाल रहा हूँ गाइस, तो थोड़ा एक आध कार्ड में टच कर लिया करो। तो गाइस इस तरह से था एंगेजमेंट, और एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा काम किया ये थी, आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन ज़्यादा रहता है गाइस आपका सजेस्टिंग में जाएगा पक्का है। यूट्यूब सर्च में भी आपका जो ऊपर है गाइस नीचे से ऊपर जाएगा, टैग भी काम करता है, बट बॉस टाइम सबसे ज़्यादा मैटर करता है आज यूट्यूब में गाइस। जितना ज़्यादा बॉस टाइम आएगा उतना ज़्यादा दूसरे को सजेस्ट करेगा यूट्यूब, ये आप हर किसी से सुन सकते हैं और ये प्रूवन है गाइस। यूट्यूब ने खुद बोला है, उनके सीईओ जो हैं मैम हैं उनने खुद बोली है, तो गाइस ये सबसे ज़्यादा बॉस टाइम काम करता है। तो एंगेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस हमारे जो यूट्यूब वीडियोस में, क्योंकि ऑडियंस को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस हमारे यूट्यूब चैनल में, और इससे हमारा जो वीडियोस गाइस ज़्यादा रैंक करेगा ऊपर और व्यूज़ भी आएंगे और सब्सक्राइबर भी मिलेंगे गाइस। तो इस तरह से ये है, और अब बढ़ते हैं ऑडियंस की तरफ गाइस। तो ऑडियंस क्या है गाइस टैब बताइए, आप ही बताइए। तो ऑडियंस तो ये है गाइस कि यूनिक व्यूअर कितने आ रहे हैं और एवरेज व्यू पर व्यूअर कितने आ रही है वो सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यूनिक व्यूअर 4000 मेरे में यूनिक व्यूअर, यानी आधे से ज़्यादा मैंने बताया था कि मेरे वीडियोज़ में सस्टम से आते हैं तो व्यूज़, तो यहाँ से यूनिक व्यूअर 4000 हमने यूनिक व्यूअर आए हमारे चैनल में। एवरेज व्यू यह है गाइस, एवरेज व्यूज़ पर व्यूअर तो हमें 1.2 ये देखने को मिल जाती है। और इसी के साथ अब बढ़ते हैं यहाँ पे सब्सक्राइबर कितने आ रहे हैं, कितने हट रहे हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। 2-1 कितना भी है गाइस, आप यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि बैन योर व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब। तो गाइस ये टैब मैंने आपको बताया था कि आपको पेड है क्यों में भी देखने को मिलता है, बट ये फ्री है आपके यूट्यूब टैब में। जब नया अभी आया था गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ चुका है इसमें यूट्यूब बैन योर व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब। गाइस ये जो टाइम होता है गाइस उसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं हमारे व्यूअर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं योर लोकल टाइम GMT 5:30, तो कैसे आप इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में कन्वर्ट कर लेना। तो कैसे यहाँ से आपको देख सकते हैं कि आपका बेस्ट टाइम वीडियो पब्लिश करने का क्या है वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। ये बैठे हैं हमारे यूट्यूब एनालिटिक्स भाई, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका यूर लोकल टाइम GMT 5:30, यानी आपको इस टाइम पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं गाइस। और पेडाइको में भी यही बताता है, देख लेना, और पहले से ये फ्री है, फ्री टू रेयर रहता है, फ्री रहता है ये सब चीज़। तो YouTube एनालिटिक्स बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है कि आप वीडियो कब डालें और आपके व्यूअर्स कब सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको सब्सक्राइबर बेल नोटिफिकेशन, यानी गाइस कितने सब्सक्राइबर उन्हें हमें हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाया है वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सब्सक्राइबर हु टर्न ऑल नोटिफिकेशन। तो 36.1% 75% लोगों ने हमारा चालू रखा है, और सब्सक्राइब हु टर्न ऑल नोटिफिकेशन फॉर योर चैनल एंड एनेबल्ड यूट्यूब नोटिफिकेशन। तो गाइस 2058 पीपल ने हमारा करके रखा है, तो गाइस थैंक्स फॉर सच सपोर्ट। तो गाइस यहाँ पे और जितने भी बंदे हो गाइस जो बेल आइकन उसे दबा के रखिए, जब भी मैं नए वीडियो डालता हूँ तो पता चल जाएगा, और सब्सक्राइब तो करना ना भूलिए यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं। तो गाइस और इसके बाद हमें जो देखने को मिल जाता है बॉस टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर, तो गाइस बॉस टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर तो नॉट सब्सक्राइब, क्योंकि मैंने बोला था यूनिक व्यूअर्स मेरे बाहर जाते हैं। गाइस यहाँ पे 79.7% जो कि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बट 19.2% हमारे सब्सक्राइब वाले बंदों से आते हैं, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे आप सी मोड़ जाके और देख सकते हैं उसकी डीपली क्या को कितने कितने व्यू आती है गाइस। तो यहाँ पे आपको एज और जेंडर भी देखने को मिल जाती है कि लास्ट 28 डेज में कितने बंदे आपके व्यूज़ देख रहे हैं, मेल देख रहे हैं या फीमेल देख रहे हैं। तो गाइस मेरे में 82.7% मेल है और फीमेल जो है 17.3 है। और इसी के साथ टॉप कंट्रीज आपके किस कंट्री से कितना आप किस कंट्री है, यानी आप किस कंट्री के लिए वीडियो बना रहे हो, किस कंट्री से कितना व्यू आ रहा है और यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इंडिया के सबसे ज़्यादा पर्सन आते हैं, और जो मैं वीडियो बनाता हूँ गाइस इंडिया वालों के लिए बनाता हूँ और जो मेरे हिंदी व्यूअर्स हैं उनके लिए, क्योंकि इन जो भी है कंट्री में रहे हैं गाइस उनका ही भला होना चाहिए, सबका भला होना चाहिए, इंडिया वालों का सबको पता चलना चाहिए। सो गाइस टॉप कंट्री में यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया और यूनाइटेड स्टेट। तो मेरा जितना भी आधे से ज़्यादा जितना बॉस टाइम आता है गाइस 81.9% इंडिया से आता है और यूनाइटेड स्टेट से 0.2%। और इसी के साथ ये हो गया एज, जेंडर हो गया था गाइस, और ये एज है यहाँ पे आपको
कितना एज वाले, कितने एज वाले पर्सन को आप रिकमेंड हो रहे हैं ये वीडियो, तो 18 to 24 ईयर्स वाले बंदे सबसे ज़्यादा है 70.8% और 25 to 34% हमें देखने को मिल जाते हैं, 24.9% हमें कि इस एज के अंदर देखने को मिलते हैं। तो गाइस इस तरह से आप एज देख सकते हैं किस एज का आपके वीडियो देख रहे हैं गाइस, और इसके साथ टॉप सबटाइटल सीसी लैंग्वेज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सबटाइटल है, तो एक भी नहीं है आप सबसे। सो गाइस टॉप सबटाइटल ये होगा कि आपके जो सबटाइटल देखते हैं, सबटाइटल यानी जो नीचे जो लिखा आता है ना गाइस हिंदी या इंग्लिश में, उसे यानी सबटाइटल हमें देखने को मिल जाता है। जो हम वीडियो क्वालिटी वालिटी चेंज करते हैं, सब टाइटल जो देखने को आता है कि इंग्लिश और हिंदी में एक वर्ड लेके आते हैं वो रहते हैं गाइस, तो कितने सब टाइटल आपके वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन देखना चाह रहा हूँ वो सब चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट में जो कि है रेवेन्यू। तो गाइस ये जो रेवेन्यू है ये आपका यूर एस्टिमेटेड रेवेन्यू, और जब आप मोनेटाइजेशन हो जाएगा चैनल तो गाइस उस टाइम आपको और दिखा था, बट आपको अभी से बता सकता हूँ कि आपका CPM यहाँ से आप देख सकते हैं कितना CPM आ रहा है, और एस्टिमेटेड मोनेटाइज प्लेबैक और यूर एस्टिमेटेड रेवेन्यू कितनी आ रही है किस वीडियो से, वो यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा ऑल टोटल। और इसी के साथ बात करते हैं मंथली एस्टिमेटेड रेवेन्यू, यहाँ से आप देख सकते हैं महीने में कितनी आई आपकी लास्ट 6 मंथ में यूर एस्टिमेटेड रेवेन्यू, और टॉप अर्निंग वीडियो आपका कौन सा है यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ रेवेन्यू सोर्स ये हो गया गाइस, एक ही जगह पे यानी आपका कितना वीडियो कितना चैनल वर्क कर रहा है वो सब चीज़ यहाँ पे आपको शो कर दिया गाइस। तो बहुत ज़्यादा काम किया है यदि आपका चैनल मोनेटाइज है, तो ऐड टाइप आप देख सकते हैं किस ऐड से आपने कितने व्यूज आ रही है, यूट्यूब की ऐड रेवेन्यू आ रही है वो यहाँ से आप देख सकते हैं ऐड टाइप से, और इसी के साथ कौन सा ऐड कितना दे रहे हैं यानी अलग अलग रहते हैं गाइस कि आप डबल लगाते हैं एक सिंगल लगाते हैं वो अलग अलग वीडियो के हिसाब से रहता है, 10 मिनट से ज़्यादा हुआ तो आप 2-3 ऐड लगा सकते हैं और कम रहा तो एक दो तक। तो वैसे इस तरह से यहाँ से आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन रेवेन्यू यहाँ से आप देख सकते हैं, उसी में जाके आप और यानी डीप में आप घुस के देख सकते हैं इसमें कि आप किस व्यू से कितने पैसे आ रहे हैं और किस यानी वीडियो से कितने पैसे आ रहे हैं यहाँ से आप देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया ना गाइस, इसके एडवांस में भी कुछ रहता है गाइस, ये एडवांस मोड रहता है जो कि आपको बहुत काम करता है। आप यदि डीप में किसी भी चीज़ को देखना चाहते हैं तो गाइस ये एडवांस मोड बहुत ज़्यादा काम का है, यहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो ट्रैफिक सोर्स जियोग्राफी व्यूअर रेट व्यूअर डेटा डेट और मोर। तो गाइस बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मोर में आप जाकर देख सकते हैं, रेवेन्यू सोर्स सब्सक्रिप्शन स्टेटस सब्सक्रिप्शन सोर्स कहाँ कहाँ से आ रहा है, डिवाइस कौन सा है गाइस वो भी यहाँ से आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड डिवाइस है iOS है टीवी में कितना देखा गया, तो सब चीज़ यहाँ पे आपको दिखा सकता है। तो गाइस सबसे पहले डिवाइस टाइप दिखा देता हूँ जो कि सबसे ऑथेंटिक लगेगा थोड़ा, कि यहाँ से जो मेरा जो देखा गया गाइस मोबाइल फ़ोन से सबसे ज़्यादा देखा गया व्यूज़ में जो सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन से आया है, उसके बाद कंप्यूटर उसके बाद टैबलेट और टीवी से गाइस, तो सब चीज़ यहाँ से आप देख सकते हैं कितना आ रहा है गाइस व्यूअर्स और जेंडर, ये तो आपको बता चुका हूँ कितना कितना यहाँ पे आपको ग्राफ में दिखाया जाता है थोड़े अच्छे में, और वो अब यहाँ पे आपको ट्रैफिक सोर्स कितना ट्रैफिक सोर्स किस वीडियो से आ रहा है यहाँ से आप देख सकते हैं लाइन चार्ट, और यहाँ पे आपको जो रहता है कैसे यहाँ पे आपको बार चार्ट भी देखने को मिल जाता है, तो इस तरह से रहता है और किस वीडियो में कितनी व्यूज आ रही है ये देखिएगा इससे एक एक दिन का कितना कितना व्यूज आ रहा है, ब्राउज फीचर यूट्यूब सर सजेस्टेड व्यू वो सब चीज़ यहाँ से आप देख सकते हैं। सो गाइस बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, तो वीडियो में क्या आपको देखने को मिलता है वो है, सो गाइस ये जो वीडियो जो टैब रहता है गाइस कितने आपके कितने वीडियोस में कितने व्यूज आ रहे हैं पर डे वो आप यहाँ से डीपली देख सकते हैं गाइस कि मुझे 20 व्यूज इस वीडियो से आए और इस वीडियो से कितने कितने व्यूज आए वो पर डे का आपको देखने को मिल जाएगा। और गाइस इसमें आप सेलेक्ट सेकेंडरी मैट्रिक्स मैंने आप यहाँ से आप कंपेयर भी कर सकते हैं बॉस टाइम बराबर किस वीडियो से आया कितना यहाँ से आप देख सकते हैं, तो लोडिंग नहीं रहा है थोड़ा सा गाइस ये देखिए इतना इतना आया व्यूज़ ये देखिए व्यूज़ इतने आए 228 व्यूज़ और मुझे इसमें बॉस टाइम कितना मिला 5.24 और बस इतना मिला गाइस, तो यहाँ से भी ये बहुत ज़्यादा काम का है आप देख सकते हैं बॉस टाइम कितना मिला और कितना आपको व्यूज़ मिले उतने में कितने व्यूज़ में कितना बॉस टाइम आए यहाँ से आप ए टू जेड देख सकते हैं, इसी के साथ आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर करने को मिल जाते हैं ये एवरेज वीडियो रेशन इंप्रेशन क्लिक फुटेज और मोर मैट्रिक्स भी रहते हैं गाइस, तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं इतने सारे हैं। तो समझ गए ना गाइस यानी पूरा भंडारा है यहाँ पे जो कि फ्री है बट आप यहाँ पे आपको देखते नहीं है और ये आपको बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने में आपको बहुत ज़्यादा काम आते हैं, तो जब से ज़्यादा सबसे ज़्यादा मेहनत रहता है गाइस हमारा जो रहता है गाइस कि हमारे किस जोग्राफी से देख रहे हैं वो सबसे यहाँ से आपको पता चल जाता है, और सबसे ज़्यादा मेहनत रहता है मेरे हिसाब से वॉच टाइम और एवरेज ड्यूरेशन कितना चल रहा है और कितना हमारा जो वीडियो हैंग कर रहा है उसके लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है गाइस इस चीज़ का यूट्यूब एनालिटिक्स का, तो आप भी यूज़ कीजिए गाइस और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल में व्यूज़ आना चाहिए गाइस। तो ये था पूरा टोटल गाइस एक ही वीडियो मैंने आपको बोला था बताऊँगा,
सो गाइस, इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं आपके चैनल में कितना किस वीडियो से आपके लिए कंपेयर करना था। यहाँ से आपको कंपेयर का भी ऑप्शन मिल जाता है गाइस, एडवांस ऑप्शन में जाएंगे तो अंदर। तो ये सब मैंने आपको एडवांस का बता दिया हूँ, ओवर टोटल बता दिया हूँ गाइस एक ही वीडियो में। तो मुझे इसे सीखने में गाइस 6 to 8 मंथ मैंने पूरा इसको डीपली सीखा हूँ कि हाँ कहाँ क्या आपको देखने को मिलता है गाइस। तो ये बहुत ज़्यादा काम पड़ता है गाइस यूट्यूब एनालिटिक्स आपके चैनल को ग्रोथ करवाने के लिए। तो गाइस इसका यूज़ करके आप भी ज़्यादा से ज़्यादा व्यू पाइए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए गाइस चैनल को, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं। ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ गाइस यूट्यूब की टिप्स और जो मैं खुद सीखता हूँ गाइस, और हर किसी को पता रहना चाहिए गाइस मुझे 8 मंथ लगे हैं इन सब चीज़ों को सीखने में कि किस तरह से अपलोड किया जाए, किस तरह से यूट्यूब एनालिटिक्स क्या है और थंबनेल क्या है सब चीज़। तो वो सब चीज़ आपको मैं साथ आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ गाइस, इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ गाइस कि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो किसी का भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यूबल रहता है। और इसके साथ ये सब आपको पेड कोर्सेज में देने लगे हैं आजकल, मुझे इतना पता चल चुका है कि आपको ये पेड कोर्सेज दे रहे हैं गाइस कि आप इन सब चीज़ों को पता करने के लिए आपको पेड कोर्स ले रहे हैं। तो मैं आपको सब चीज़ फ्री में अवेलेबल करवा रहा हूँ गाइस, मैं जो सीखता हूँ A to Z गाइस को सब चीज़ आपको बताता हूँ कि आपको भी पता चलना चाहिए क्या न्यू फीचर्स है, किस तरह से ये वर्क करता है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा व्यू पा सकें गाइस। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिए गाइस, और इसी के साथ लाइक का जो बटन रहता है वहाँ पे बूंद दबाना तो भूलिए मत गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और आपको यदि कुछ भी थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा तो गाइस हमारी खुश नसीबी। सो गाइस आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, और आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में जाके कमेंट करिए, और यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला हो इस वीडियो से, यदि आप यूट्यूबर्स हो न्यू यूट्यूबर्स हो तो गाइस बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है ये एनालिटिक्स यूट्यूब एनालिटिक्स, तो जाके आप कमेंट कर दीजिए। और इसी के साथ यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो थैंक्स गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।